हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ मीनू ठाकुर। सो आज इस लेक्चर में आई चूज्ड ओनली वन आर्टिकल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी एस्पेक्ट्स, ऑल दी एंगल्स लाइक प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। अच्छा, जब हम मेंस की बात करते हैं और या फिर प्रीलिम्स की बात करते हैं, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर दी एंगल ऑफ गवर्नेंस। इकोनॉमिक्स भी है और गवर्नेंस भी है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल से। जैसे कि अगर आप देख रहे हो कि इस आर्टिकल में हेडिंग क्या है, अ डोर टू अ हाउसिंग स्कीम ट्राइबल्स फाइंड हार्ड टू ओपन, यानी कि यहाँ पे ये आर्टिकल पूरा फोकस्ड है ट्राइबल्स के ऊपर। ट्राइबल्स के अंदर भी एक कम्युनिटी, एक ग्रुप आता है जिसका नाम है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी PVTG। ये जो PVTGs है, इस ग्रुप के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो बहुत ही डिप्राइव्ड हैं। वो हर सोसाइटी के हर उस बेनिफिट से, हर वो फैसिलिटी से डिप्राइव्ड है जो उन्हें मिलनी चाहिए, ठीक है? तो उनके लिए एक ऐसी स्कीम है, एक ही नहीं है, बहुत सारी स्कीम्स हैं, बट एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर उनको हाउसिंग का बेनिफिट मिल रहा है, बट दे अनेबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। तो ये पूरा आर्टिकल बता रहा है कि एक तो ये बात करता है वल्नरेबल ग्रुप्स की बात करता है, PVTGs की बात करता है, दूसरी तरफ वो बताता है कि ये आर्टिकल फोकस कर रहा है कि ये सारे इनिशिएटिव सरकार ने किए, बट ये इनिशिएटिव्स का इन लोगों तक फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा है। दैट कम्स अंडर द एंगल ऑफ गवर्नेंस, कि किस तरीके से पॉलिसी, देर इज़ अ पॉलिसी, देर इज़ अ स्कीम, देर इज़ इनिशिएटिव, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट ओवर दीज पीपल इन दी विलेजेस, ठीक है? तो ये पूरा आर्टिकल ये बताता है। तो इसी तरीके से हम वन बाय वन पैराग्राफ देखेंगे इस आर्टिकल का। पहली बात तो ये कहता है इस पूरे आर्टिकल में किस बात हो रही है कि PVTGs यानी कि भारत के अंदर बहुत सारे आदिवासी ग्रुप्स रहते हैं, उसमें से 75 आइडेंटिफाइड है PVTGs अक्रॉस द स्टेट्स, सभी स्टेट्स में। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा दे कंप्राइज अराउंड 14.6 लाख हाउसहोल्ड्स, ठीक है? यानी कि टोटल जो घर की अगर हम बात करें तो वो लगभग 15 लाख घर ऐसे। दीज ट्राइब्स रिसाइड इन स्कैटर्ड रिमोट एंड ऑफन इनएक्सेसिबल एरियाज कैरेक्टराइज बाई देयर रिलायंस ऑन मैथड्स एंड टूल्स फॉर देयर लाइवलीहुड डेट प्रीडेट द एडवेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, लो लिटरेसी रेट, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड स्टैगनेट पॉपुलेशन। यानी कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसकी बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन्हें नहीं मिल रहा है, बहुत इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एक ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, नो ट्रांसपोर्टेशन, नो कम्युनिकेशन, पीपल वेरी यू नो वो इतनी टफ सिचुएशन में रह रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड बहुत ही डिप्राइव्ड है। तो ये पैराग्राफ ये बताता है। जब रिकॉग्नाइज करते हैं इनके बैकवर्डनेस को, तो सरकार ने अनाउंस किया था प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन इन 2023-24। तो UPSC के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक तो ये स्कीम प्राइम फोकस हो गई, टू इम्प्रूव द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द PVTGs, ठीक है? ये हो गया इम्पॉर्टेंट। इन लाइन विद दिस इनिशिएटिव, इसी इनिशिएटिव्स के अनुसार इन नवंबर 2023 सरकार ने एक दूसरी स्कीम लॉन्च करी जिसका नाम था PM जनमन, यानी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये नवंबर 2023 में आया, जिसका बजट था 24,000 करोड़, ठीक है? और किसको फ़ायदा देना था, लगभग 15 लाख जो घर है उनको फ़ायदा देना था, उस ग्रुप को फ़ायदा देना था जो PVTGs है, जो 75 ग्रुप्स आइडेंटिफाइड है ऑलरेडी, ठीक है? अब इस PM जनमन की बात करें तो इट सीक्स टू प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस टू PVTGs, विच इंक्लूड्स सेफ हाउस होगा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होगा, सैनिटेशन होगा थ्रू 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस, ठीक है? अब चैलेंज कहाँ आ रहा है, चैलेंज आ रहा है कि जो स्कीम के अंदर ये जो हाउसिंग की बात की है कि उन्हें सेफ घर दिया जाएगा, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जिनके पास घर भी नहीं होता, रहने को एक छत भी नहीं है। तो भाई वो हाउसिंग स्कीम अवेल करने के लिए सबसे पहले उन्हें रजिस्टर करना होगा फॉर दी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम इन दी PM जनमन, विच एम्स टू रीच 4.9 लाख PVTGs हाउस होल्ड्स बाय 2026, जिसके तहत 2026 तक कितने घर जो हैं वो बनाए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर एवरी PVTG हाउस होल्ड हैज एक्सेस टू सिक्योर एंड हैबिटेबल हाउसिंग, सेफ गार्डिंग दैम फ्रॉम इन्वायरमेंटल चैलेंज एंड प्रोवाइडिंग दैम विद अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। क्योंकि अगर आपके पास सेफ घर नहीं है
तो आप इन्वायरमेंटल उसमें गर्मी सर्दी बाढ़ की सिचुएशन है, सो मेनी चैलेंजेस आर देयर, आप उन चैलेंजेस का कैसे निपटारा करेंगे? तो सबसे पहले बात आती है घर की, एक छत की। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि दिक्कत ये है कि डेटा मिसमैच है, यानी कि बात आ रही है रजिस्ट्रेशन की, ये तो पैराग्राफ ये हो गया। अब यहाँ से शुरू होती है कहानी गवर्नेंस की, कि डेटा कलेक्शन की अगर हम बात करें डीबीट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, विच इज़ की फैक्टर डेट डिक्टेट्स द डिलीवरी ऑफ इंटाइटलमेंट्स टू सिटीजन। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो डेटा मिलना था, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है? बिकॉज लैक ऑफ डेटा, लैक ऑफ मिसमैच द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो दिस इज द हर्डल, ठीक है, ये एक ऐसा हर्डल है जिसकी वजह से दे आर अनेबल टू गेट दिस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अंडर दिस स्कीम प्राइम मिनिस्टर जनमन, ठीक है। ये ऐसा हो चुका है क्योंकि मनरेगा में जितने भी वर्कर्स लगभग जो उसमें रजिस्टर हुए थे वो डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इंटाइटलमेंट्स, इस समय मिसमैच हुआ था, ठीक है, ये बंद करना पड़ा क्योंकि काफ़ी ऐसी डिटेल्स थी जो आधार कार्ड के थ्रू मिसमैच हुई थी, कुछ धांधलीबाजी भी हुई, ठीक है। तो वी रिकॉर्डेड दी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड इंटरव्यूड कम्युनिटी मेंबर्स एंड फ्रंटलाइन ऑफिशियल्स इन द इम्प्लीमेंटेशन दी स्कीम इन आंध्र प्रदेश झारखंड एंड उड़ीसा। The findings show the PM Janman housing encounters inclusivity and accessibility challenge for PVTGS and frontline officials, क्योंकि डेटा नहीं है। कौन सा PVT है? कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक सर्टिफिकेट जाली बनवा लिया है टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दी स्कीम्स, जो कि स्पेसिफिकली PVTGS के लिए है, ठीक है। एक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि डेटा नहीं है। अगर सही प्रकार के जो आइडेंटिफाइड है 75, अगर उन लोगों को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा तो फिर तो ये फ़ायदा ही नहीं है स्कीम लेने का। ऐप यूज़, एक ऐप बनाई थी जिसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है। ऐप क्या है? सरकार ने प्रोवाइड किया एक आवाज़ प्लस मोबाइल ऐप टू द ब्लॉक पंचायत लेवल ऑफिशियल्स टू रजिस्टर PVTGS हाउस होल्ड्स फॉर द PM जनमन हाउसिंग स्कीम। क्योंकि जो PVTGS इस ऑफिशियल्स में रजिस्टर होंगे, ओनली दैट पीपल कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस हाउसिंग स्कीम अंडर PM जनमन। द ऐप गैदर्स बेनिफिशियरी डाटा इन 3 प्राइमरी एरियाज। सबसे पहले वो रिकॉर्ड करेगा कि उसके घर की लोकेशन कहाँ है, उसका ब्लॉक क्या है, पंचायत कौन सी पंचायत पड़ रही है उस गांव में, कौन सा गांव है, ठीक है। इट कैप्चर्स हाउस होल्ड प्रोफाइल्स इवन, जियो टैगिंग फॉर प्लांट कंस्ट्रक्शन लोकेशन एंड द कलेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर द कैश ट्रांसफर। कई लोग तो ऐसे होंगे जिनके पास अकाउंट ही नहीं है, तो उन्हें बेनिफिट कैसे मिलेगा? क्योंकि इस स्कीम के तहत क्या है, जैसे स्टार्टिंग में 2 पॉइंट, जैसे ये हाउस होल्ड दिखाया गया है कि भाई कितना मिलेगा, 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा 239,000, यानी लगभग 240,000 रुपये, ठीक है। अब ये 240,000 रुपये 3 किस्तों में मिलना है, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है, तो ये सारा एक प्रोसेस है, ठीक है। और कुछ मोबाइल ऐप में भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है, बहुत सारे तमाम ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें जो PVTGS वाले लोग हैं वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जॉब कार्ड जैसे मैंडेटरी होनी चाहिए, अब जिसके पास जॉब कार्ड नहीं है वो क्या करे, ठीक है, क्योंकि जॉब कार्ड जो था मनरेगा का वो तो डिलीट हो चुका है। लगभग 8 करोड़ का जो डेटा था वर्कर्स का वो है नहीं, ठीक है। नोटेबल एस्पेक्ट अगर हम इस मोबाइल ऐप की देखें तो प्री पॉपुलेटेड लिस्ट ऑफ विलेजेस इसके अंदर है। वी फाउंड डिस्क्रिपेंसीज इन द नंबर ऑफ विलेजेस पॉपुलेटेड इन द ऐप एंड मनरेगा जॉब कार्ड्स, कुछ हमने देखा डिस्क्रिपेंसीज है, यानी कुछ विलेज का पॉपुलेशन के हिसाब से जो होना चाहिए रजिस्ट्रेशन वो नहीं है उसके अंदर, ठीक है। जैसे कि मोबाइल ड्रॉप डाउन हैज़ 22 विलेजेस वाइल द मनरेगा, ठीक है, अगर हम मनरेगा की इंफॉर्मेशन को देखें तो सिर्फ 22 गांव हैं, सपोज एक रजिस्ट्रेशन में है 22 विलेजेस, लेकिन मनरेगा ऐप में कितने हैं, 31, ठीक है। तो ये डाटा मिसमैच है, ये हुआ था आंध्र प्रदेश के अलूरी सीतारमा रज्जू डिस्ट्रिक्ट में, तो ये पाया गया कि मिसमैच इन्फॉर्मेशन है। द ऐप रिक्वायर्स द नेम ऑफ द फैमिली मेंबर्स एज इन द आधार, जो आधार में नाम है वो होने चाहिए, लेकिन अगर कहीं हो आधार ही कार्ड नहीं है, आधार कार्ड में किसी का नाम दर्ज नहीं है, उस केस में क्या होगा? तो कोई भी क्लियरेंस या गाइडेंस नहीं गई है, नहीं बताई गई है इस ऐप में स्कीम के द्वारा कि अगर ये केस होगा तो हाउ इट वुड बी रिजॉल्व्ड, ठीक है। दिस रिजल्ट इन नॉन PVTGS रजिस्ट्रेशन एज वेल। अब इसी लूप होल से
जो नॉन PBTGS है उनको मौका मिलता है कि वो रजिस्ट्रेशन कर लें, ठीक है, और वो बेनिफिट उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है और फिर उनको इस स्कीम का बेनिफिट होगा। वेयर द PBTGS एंड नॉन PBTGS को एग्जिस्ट, वी हैव कम अक्रॉस इंस्टेंस ऑफ नॉन PBTGS सरपंच मुखिया एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ PBTG। कई ऐसे हैं जो नॉन PBTGS ग्रुप है, उनके पंचायत लेवल ही नाराज़ है कि भैया ये PBTGS को इतना बेनिफिट क्यों दिया जा रहा है, यानी वही घर के अंदर भाई भाई में लड़ाई। द ऐप प्रमोट्स द इन्यूमरेटर टू चूज फ्रॉम 3 ऑप्शंस, कॉपरेटिव बैंक, कॉमर्शियल बैंक एंड RRBs, ठीक है। अपॉन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है UPSC की परस्पेक्टिव से, अपॉन सिलेक्शन और ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ बैंक कॉरेस्पॉन्डिंग टू द चूज कैटेगरी अपीयर्स। फॉर एग्जाम्पल, सिलेक्टिंग कॉमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स ओवर 300 ऑप्शंस। एडिशनली, अपॉन चूजिंग अ स्पेसिफिक ऑप्शन सच एस SBI फॉर रजिस्ट्रेशन इन आंध्र प्रदेश एंड द ड्रॉप डाउन शोज ओवर 500 ऑप्शन फॉर इट्स ब्रांचेज, दिस कम्युनिकेटिव प्रोसेस इंट्रोड्यूस अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बोथ PBTGS एंड ऑफिशियल्स। वो कह रहा है इस मोबाइल ऐप में 3 ऑप्शन दिए हैं, या तो कॉमर्शियल बैंक चूज कीजिए, या आप कॉपरेटिव बैंक सेलेक्ट कीजिए, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, अपना अकाउंट डिटेल्स डालिए ताकि ये आपको पैसा पहुंच जाए, और एक आपका RRB है। अब कॉपरेटिव अगर आप बैंक्स में डालते हैं तो अगेन आपके पास अगेन ऑप्शंस मिल जाएंगे, कॉमर्शियल बैंक में तो 500 ऑप्शन खुल जाएंगे। सो समवेयर इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन और द कॉम्प्लेक्सिटी टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम इन द फॉर द माइंड ऑफ और फॉर द पीपल ऑफ PBTGS इवन ऑफिशियल्स, ठीक है, उनके लिए भी ये चैलेंजिंग है। अब इसमें अंदर एक और बात की है, डिस्पाइट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश एन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स टू इंप्रूव बैंकिंग सर्विस स्पेशली इन एरियाज विद लिमिटेड बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, द ऐप डज नॉट इंक्लूड IPP। सोचने वाली बात है, जिस स्मॉल या फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, छोटे छोटे उद्योगों के लिए, छोटे छोटे बैंकिंग फैसिलिटी के लिए जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स आया था, पेमेंट बैंक आया, उसको इस लिस्ट में डाला ही नहीं। आपने RRB डाला, कॉपरेटिव बैंक्स डाला, यू ऑल्सो इंक्लूडेड कॉमर्शियल बैंक्स, बट वाई नॉट दिस IPPB? ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। स्ट्रीमलाइनिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अपडेटिंग द मोबाइल ऐप एंड इनकॉर्पोरेटिंग द IPP एज एन ऑप्शन आर एसेंशियल स्टेप टू फैसिलिटेट अ ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ PBTGS इन दिस स्कीम, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हैं प्रोएक्टिव मेजर्स टू रेजिटेट reinstate deleted job cards and also community engagement initiatives such as involving Gram Sabha can improve the effectiveness of the scheme. Gram Sabha ko bhi include kijiye. Despite numerous initiatives aimed at addressing the vulnerabilities, the narrative of PBTGS in independent India persistently echoes the world of Adivasi rights activist B.D. Sharma, who described the plight of Adivasis as an unbroken history of broken promises. तो उनका ये कहना है कि भाई इतने promises करने के बाद भी that is not fruitfully implemented in a particular area for this PBTGS group, तो कोई फायदा नहीं है। And ये लिखा है, set right the PM Janman present yet another opportunity to transform the leaves of PBTGS, albeit a small step in enabling them to access the benefit from India's growth story. बेनिफिट मिल सकता है अगर उसको थोड़ा और स्मार्टली, थोड़ा और अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए। अब थोड़ा सा PBTGS के बारे में जानते हैं। ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती है जो आइडेंटिफाई होती है उनके कुछ एक ऐसे करैक्टरिस्टिक्स को देखकर, जैसे कि उनके प्रिमिटिव ट्रेड्स हैं, उनका कल्चर अलग है, ज्योग्राफिकली वो बहुत आइसोलेटेड है और बहुत शाइनेस फील करते हैं टू कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एंड लार्ज एंड बैकवर्डनेस, ठीक है। तो ये सारे उनके फीचर्स हैं। आज भी वो हंटिंग करते हैं, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करते, ज़ीरो और नेगेटिव ग्रोथ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ही बहुत ज़ीरो है, ग्रोथ बहुत ही कम है, या तो एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ लिटरेसी, बिल्कुल एजुकेशन नहीं है। दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। दूसरा, आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि भाई सरकार का सबसे प्रमुख जो दायित्व आता है, अकाउंटेबिलिटी आता है टू डेवलप एवरी वन हु रिसाइड्स और हु आर पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा इनकी दयनीय स्थिति है, इसको उभारना बहुत ज़रूरी है, एक सरकार का दायित्व है, इसलिए इसको आइडेंटिफाई करना भी इज मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट। इसी चीज़ से ध्यान में रखते हुए कि इनको एक सेपरेट कैटेगरी फॉर्म किया गया PBTGS को और डिक्लेयर किया, 52 सच ग्रुप्स होंगे इसके अंदर, धीरे धीरे आते आते वो 75 ग्रुप्स बन चुके हैं। 2011 सेंसस के अनुसार 18 स्टेट्स अगर हम बात करें
तो ये स्टेट्स और यूटीज़ में आपके कितने हैं टोटल? 18 स्टेट्स और वन यूनियन टेरिटरी में 75 PVTGS, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? कुछ क्राइटेरिया है, जैसे प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेशन पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन आगे ग्रो ही नहीं हो रही है, ठीक है। ये कमेटियाँ आपको याद रखनी है, धेबर कमीशन 1975 में धेबर कमीशन ने ही क्रिएट किया था PVTGS एज अ सेपरेट कैटेगरी, फिर उसके बाद इसके अंदर एक और वर्ड ऐड हो गया। 2006 में सरकार ने इसका नेम जो है वो रीनेम किया और रख दिया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। पॉपुलेशन की बात अगर करें, ये टोटल जो इनका पॉपुलेशन है 8.6 ट्राइबल ट्राइबल लोगों का है और 15% ज्योग्राफिकल एरिया में पूरे भारत के ये लोग रहते हैं ट्राइबल लोग, और ये बहुत ही दूर प्लेन एरिया से फॉल्स से बहुत दूर रहते हैं। और PVTGS जो है वो दे आर वेरी स्कैटर्ड इन द डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कंट्री, ऐसा नहीं है वो एक ही जगह रहते हैं, बहुत स्कैटर्ड वे में रहते हैं। 2001 के अनुसार PVTGS की फुल जो पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेट वो है 27,68,322, ठीक है। 12 PVTGS ऐसे लोग हैं, ऐसा ग्रुप है जिसकी पॉपुलेशन अबव 50,000 है, बाकी यानी 75 में से 12 आप माइनस कर दो, कितना बचा आपका? बचा कितना? 63 है ना, 63 आपके जो PVTGS हैं वो ऐसी ग्रुप है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है? सिर्फ 1,000 या फिर उससे भी नीचे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पॉपुलेशन है। उसके बाद इनिशिएटिव्स तो बहुत सारे हैं, जैसे जनजातीय गौरव दिवस है, विकसित भारत संकल्प यात्रा है, PVTGS मिशन है, बट चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें बात की इस पूरे आर्टिकल में कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स को इंक्लूजन होना चाहिए नहीं है, तो आइए जानते हैं कि ये आखिर IPPB है क्या। ये इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, 100% किसका है? सरकार का है, केंद्र सरकार का। 2018 में ये लॉन्च हुआ। विजन क्या था? एक्सेसिबल अफोर्डेबल एंड ट्रस्टेड बैंक फॉर द कॉमन मैन इन इंडिया। मैंडेट है टू रिमूव बैरियर्स फॉर द अनबैंक्ड, फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ लेकर आना है, जिनके खाते नहीं हैं उनको पोस्ट ऑफिस के थ्रू उनको जोड़ना है, कनेक्ट करना है। न्यू दिल्ली इनका हेडक्वार्टर है इस बैंक का। ये नचिकेत मोर कमेटी के अनुसार उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर पेमेंट बैंक्स पिक्चर में आए थे। इस स्कीम के इस बैंक के तहत 2,00,000 करीब जो है वो डिपॉजिट हो सकते हैं, विच द अकाउंट विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। इसके अंदर माइक्रो ATMs, मोबाइल बैंकिंग एप्स, मैसेज एंड ट्रैकिंग वॉइस मैसेज रिस्पॉन्स ये सब है। दिस बैंक विल यूज आधार टू ओपन अकाउंट्स, अ QR कोड कार्ड बायोमेट्रिक्स विल बी यूज फॉर द ऑथेंटिकेशन ट्रांसैक्शंस एंड पेमेंट्स, ठीक है। पेमेंट बैंक मैंने आपको बताया नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशंस में सेटअप किया गया। मेन जो मकसद था वो यही था इस पेमेंट बैंक का, वाइडन द स्प्रेड ऑफ पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू स्मॉल बिजनेसेस, लो लेवल इनकम या लो इनकम हाउस होल्ड्स एंड माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स इन सिक्योर्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन इन्वायरमेंट। ये जो बैंक्स होते हैं दे रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 बट आर गवर्न्ड बाय होस्ट ऑफ लेजिस्लेशन सच एज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, RBI एक्ट 1934, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अब पेड अप कैपिटल, अगर पेमेंट बैंक खोलना है तो कितना आपके पास पैसा होना चाहिए, सब चीज़ लिख दिया है, ठीक है। क्या क्या ये करता है इस फंक्शंस? 2,00,000 तक का अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है, मनी रिसीव होती है एज अ डिपॉजिट, कैन बी इन्वेस्टेड इन सिक्योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओनली इन द फॉर्म ऑफ स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। 75% जो होता है वो डिमांड डिपॉजिट बैलेंस होता है, चाहे वो जब भी चाहोगे तो आपको मिल जाएगा वापस। 25% जो होता है वो फिक्स डिपॉजिट में यानी लंबे टाइम डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इट कैन ऑल्सो ऑफर रेमिटेंसेज सर्विसेज, मोबाइल पेमेंट्स, ट्रांसफ़र, परचेज एंड अदर बैंकिंग सर्विसेज, ATM एंड डेबिट कार्ड। क्या क्या नहीं कर सकता है? एक्टिविटीज़ डेट कैन नॉट बी, यहाँ पर नॉट भी आएगा, जैसे कि कैन नॉट इशू लोन, लोन नहीं दे सकता, क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकता, कैन नॉट एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट और NRI डिपॉजिट, इट कैन नॉट सेटअप सब्सिडरीज टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, ठीक है। एक प्रीवियस क्वेश्चन आया था 2019 में PVTGS के ऊपर, दे रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड वन यूनियन टेरिटरी, बिल्कुल सही है। अ स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग PVTGS स्टेटस, बिल्कुल सही। देयर आर 75 है ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार। आयरुलर
एंड कोंडा रेडी ड्राइव्स आर, अब देखो चारों तो ऑप्शन है नहीं, यहाँ आप अटक जाओगे तो सही क्या है, ये तो पता है ये गलत है, तो फर्स्ट टू फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई हिंदू एनालिसिस सेशन हेयर ओनली। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।